जय श्री कृष्ण। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं टैरोट कार्ड के ऊपर से मीन राशि का प्रेडिक्शन। तो ये वीक के लिए आपको क्या बताता है, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशियों के लिए खास ध्यान रखना है कि आपको शत्रुओं से बचकर रहना है। शत्रुओं के साथ भी मीठा बोल के उनके साथ अपना काम निकाल लेना है। खास ध्यान रखें, कहीं पे आपको सर्टिफिकेट या तो अवार्ड भी मिल रहे हैं आपके काम के लिए, तो बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। और आप इतने होशियार और काबिलियत हो कि आप दूसरे को बताते थे और उसका काम हो जाता था, लेकिन आप कभी कभी इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप अपना खुद को नया बिजनेस करना है तो आप दूसरे की एडवाइस लेने जाते हो, दूसरा आपको अलग रास्ते पे लेके जाता है। तो खास ध्यान रखना, ये वीक के लिए आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए, तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपके लिए जल तत्व वाली जो भी व्यक्ति है तो उसके साथ आप जुड़े और उसके साथ आपसे काफ़ी फायदा होगा। खास ध्यान रखें, ये कलर के लिए लकी नंबर कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर और येलो कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तो ये वीक के लिए वृषभ राशि पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अभी आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल लाइफ आपकी ख़त्म होने जा रही है। अभी बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज के शिवाजी महाराज हो, आगे बढ़िए और काम बढ़ाते रहिए। चाहे युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा आपसे बड़ी उम्र का लड़का मिल सकता है या बड़ी उम्र की लड़की मिल सकती है, तो खास ध्यान रखना है। लेकिन वो अच्छा रहेगा, वो समझदार होगा और अपने बिजनेस में भी कामयाबी होगा और राजा की तरह राज करने वाला होगा। और आप आगे बढ़िए, अभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। आपके दिन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। लकी नंबर रहेगा आपका एक नंबर और कलर रहेगा आपका वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मिथुन राशि कहती है ये वीक के लिए कि थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, अच्छा भी दिखा रहा है। ये वीक के लिए आपने बहुत स्ट्रगल लाइफ की है, अभी आपके दिन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आपके आज समझो तो आज के आप शाहरुख खान हो या तो अमिताभ बच्चन हो, और कोई गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपकी फैमिली के अंदर, कोई गुड न्यूज़ या बच्चे आने वाले हैं, या तो आपके बहुत ही अच्छे से अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप कभी कभी आपको लगता है कि मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको और दो जन की एडवाइस लेके फिर आपके आपके बिजनेस में कि आपकी मैरिज लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, तो वो एडवाइस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जो भी मुसीबत आने वाली है वो चली जाएगी। और हो सके तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा एक नंबर, सूर्य देव को काफ़ी अच्छा रहेगा, गायत्री मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं। लकी कलर रहेगा आपका रेड और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, कर्क राशियों के लिए रात को सोने के टाइम पे आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आती है और कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी भगवान को मानते हो, जिसमें भी बिलीव करते हो, उसको याद कीजिए और उसके साथ आप उसको प्रे करके फिर जागना है और उठना है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और हो सके तो आपके तो पिलो के नीचे आपको कपूर रखना है, तो उससे जो भी प्रॉब्लम आ रही वो नहीं आएगी। और हो सके तो आपके सिरहाने के नीचे पानी का ग्लास भर के रखिए और उसमें खड़ा नमक रखिए, तो पूरी नेगेटिव एनर्जी रहती है आपके आसपास वो भी चली जाएगी, या तो उसका बाथ सोल्ट भी आप ले सकते हो। कहीं पे राजा की तरह राज करने वाले हो, कहीं पे अपॉर्चुनिटी आ रही तो आप अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। और आपकी स्ट्रगल लाइफ अभी ख़त्म हो चुकी है, आप सब छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स कीजिए और हो सके तो रोज़ सुबह में उठकर मेडिटेशन कीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो चली जाएगी। तो लकी नंबर आपके लिए होगा
11 नंबर और कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? तो ये वीक के लिए सिंह राशि का क्या है? कहीं पे आप इतने एक्साइटमेंट हो जाते हो कि आप बिना काउंट के किसी को पैसे दे देते हो, चाहे वो भिखारी हो या अमीर हो, ऐसे ही पैसे दे देते हो कि दे देना करके, ले लो करके। लेकिन आपको पता नहीं है आप कितना दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो खास ध्यान रखें, जो भी करें सोच समझ कर करें, गिन कर दीजिए तो उससे काफ़ी फायदा होगा। कहीं पे भगवान आपके साथ है, वो आपको बता रहे हो कि आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ भरी हो, उसको पूरे जगत के सामने वो शक्तियाँ लाइए और सबको दिखाइए कि वो कितनी काम करती है। आप में सारे गुण भरे हुए, वो लोगों को पता ही नहीं है, आपको सब अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है वैसा बोल रहे, लेकिन आप में जो शक्ति है वो किसी में भी नहीं है, उसको दिखाइए। और आपको सबके साथ हिल मिल के जुल के रहना है और सबके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और उसके सबके साथ मिलजुल के रहने से सबके साथ अपना दुख शेयर कीजिए, सुख हो तो वो भी शेयर कीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आपके डिप्रेशन में होते हो तो वो डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो ये वीक के लिए अच्छा दिखा रहा है। अब लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर और कलर रहेगा आपका येल्लो, वाइट और ग्रीन कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो ये वीक के लिए कन्या राशि क्या कहती है? ये वीक के लिए कुछ अलग कन्या राशियों के लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हो, एक के सपोर्ट से जाएंगे, दूसरा एक सपोर्ट और मिल जाएगा। कहीं पे आप नए मकान या तो घर के बारे में सोच रहे हो कि नया घर लेना चाहिए, थोड़ा पैसे की दिक्कत आ रही है, लेकिन आप ले लीजिए, पैसे मिल हो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, अरेंजमेंट। कहीं पे आपके घर के बाहर से आपको गार्डन दिखे, माउंटेन दिखे, ऐसा घर आप पसंद कीजिए। इष्ट दिशा का हो तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया बिजनेस करना भी चाहते हो तो बिजनेस में एक औरत का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर और कलर रहेगा वाइट, येल्लो, ग्रीन कलर। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? तुला राशियों के लिए वो खुद इतने अमीर है, जैसे उसके बोन हुआ तभी से वो पैसे वाले, मरने के टाइम पे भी इतने पैसे वाले होंगे, उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है। कभी भी पैसा ख़त्म होने को आता है तो अपने आप पैसा वापस आ जाता है उनके पास, और देवी शक्ति उनके साथ काम करती है, तो अपनी कुल देवी भी रहती है, तो उसे आप अक्सर याद करके माता जी को साथ रखिए, उसके साथ आपका ज़्यादा काम होगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी जीत होगी। थोड़ा अपने माता जी कुल देवी के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखिए, उसके पैर छूके उसका काम कीजिए, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, कलर रहेगा ग्रीन और क्रीमिस येल्लो कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? वृश्चिक राशियों के लिए कहीं पे थोड़ा बंधन योग, लक्ष्मी बंधन योग दिखा रहा है। कहीं पे आपको लक्ष्मी जो है उसको बंधन कर दिया है, तो आपके पास लक्ष्मी आती नहीं है। जैसे हमारा काम होता है लेकिन यहाँ से काम आते हुए चला जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखा है, थोड़ा आपको घर को शुद्धिकरण करना है, अपने आप को लक्ष्मी बंधन योग से मुक्त करना है। हो सके तो आपको क्या करना है, एक सोल्ट वाटर लेके उसमें पैर भिगो के रखना है, और हो सके तो सरसों का तेल का कोटन लेके फिर आपके नाभि के अंदर रख दीजिए, जो भी नेगेटिव होता है वो बॉडी में से निकल जाएगा, और 2 दिन तक वो रहने दीजिए तो उसे काफ़ी फायदा होगा। कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही तो आपको अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ आएंगे। आपके पास जो भी ज्ञान है वो आपके सीमित ही रखे, जिसको आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं फिर भी आप उसको ज्ञान दिए जा रहे हो तो मत दीजिए, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, वो ज्ञान आपका वेस्ट जा रहा है। आप आगे जाके राजा की तरह राज करने वाले, आप खुद की फैक्ट्री होगी, खुद का दुकान शॉप होगी, तो आपको उसमें भी 2 महीने तो आपको इतने अच्छे जाएंगे कि आप पैसे काउंट भी नहीं कर सकेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपको पहले घर को शुद्धिकरण करना है, अपने आप को शुद्धिकरण करना है, हो सके तो रोग सोल से भी स्नान कर सकते हो,
और घर के अंदर खड़े नमक के पोछे लगवाए और धूप कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। तो धनु राशियों को खास ध्यान रखना है, ये वीक के लिए थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। कहीं आपका हार्ट ब्रेक ना हो, थोड़ा ध्यान रखें। कहीं पे किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है कि हम ज़्यादा बातचीत करो उसमें कुछ बोल जाए, अपशब्द किसी को बोल दिया गया तो हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है। कहीं पे आप किसी से लव कर बैठे हो तो वहाँ पे भी ब्रेक होने की शक्यता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और आप जो भी कार्य करें तो सोच समझ कर करना है। कहीं पे किसी कोई एग्रीमेंट कर रहे हो या तो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है तो वो एग्रीमेंट को आपको खास ध्यान रखना है। कहीं आपके साथ छल कपट तो नहीं हो रहा है तो वो खास ध्यान रखें। बिना पढ़े किसी में सिग्नेचर नहीं करना है, खास ध्यान रखें। जो भी करें सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको घर से बाहर निकलने की नौबत आ सकती है। तो खास ध्यान रखें। और ये वीक के लिए लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर और कलर रहेगा येलो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मकर राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। 5 महीने से थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। अभी 2 महीने बाकी है, 3 महीने चले गए, तो थोड़ा सब्र रखें, शांति रखें। हो सके तो आपके साथ कुछ चमत्कार होने वाला है। आपने जो भी आगे मेहनत की है उसके लक्ष्मी प्राप्त योग आने वाले हैं। तो आपको हो सके तो आपकी घर की साउथ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखें और वहाँ पर आपको खड़ा एक कांच का बाउल लेके खड़ा नमक रखना है। और हो सके तो लक्ष्मी मैया का ऑल रखे तो उसे काफ़ी फायदा होगा। और वहाँ पे धूप कीजिए तो आपके 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ आएंगे। और कहीं पे आप मकान मिलकर जायदाद के बारे में, खुद के बिजनेस के बारे में भी सोचे तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आगे बढ़िए और थोड़ा जो 2 महीना बाकी उसको निकाल दीजिए तो काम हो जाएगा और बहुत ही अच्छा होने वाला है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर और कलर रहेगा रेड कलर। आपके पितरों का आशीर्वाद लेना मत भूलिए। हो सके तो सैटरडे के दिन पितरों के वहाँ जाके जल चढ़ाइए, 3 प्रदक्षिणा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर प्रदक्षिणा करके फिर पितरों का आशीर्वाद लीजिए तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। कलर रहेगा येलो कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या है। कुंभ राशियों के लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। जल तत्व से कनेक्टेड कुछ गुड न्यूज आ रहे हैं। जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और कहीं पर अपॉर्चुनिटी आ रही तो वो अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और आप इतने बहादुर हो कि यंग हो कि जो भी कार्य करना चाहते हो, एक बार ठान लिए कि मुझे ये करना ही है तो वो आप करके दिखाते हो। तो आपका अभी टाइम आ चुका है कि आपको दुनिया को दिखा देना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, करूँगा और करके रहूँगा और मेरी जीत होगी। तो आज के आप जादूगर हो और काम भी सफलता प्राप्त मिलेगी आपको। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, कलर रहेगा रेड ऑरेंज और येलो कलर और ग्रीन कलर भी। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। तो मीन राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे अपॉर्चुनिटी आ रही तो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं पे आपके संतान के बारे में पूछ रहे तो संतान एक लड़का एक लड़की भी है और बहुत ही अच्छा गुड फैमिली है। इंजॉय कर रहे हो, कहीं पे घूमने भी जा रहे हो और सफ़र भी दिखा रहे हैं, छोटे ट्रैवलिंग्स भी दिखा रहे हैं। कहीं पे मनी योग के प्राप्त हो रहे, युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। लड़का बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा एज बड़ी होगी लेकिन कमाता होगा, उसका खुद का बिजनेस भी होगा। लड़का हो या लड़की हो तो आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और हो सके तो आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको 2 अगरबत्ती जलानी है तो उसे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही वो चली जाएगी। कलर रहेगा आपका येलो कलर और वाइट कलर और ग्रीन कलर। गाय को हरा घास खिलाइए, काफ़ी मुसीबतें आपकी दूर हो जाएगी। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं।
हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको नया नया कुछ मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।